ये तो आप जानते ही होंगे कि इस शो को बनाते वक्त मुझे कई सांपों के साथ काम करने का मौका मिला है, लेकिन आज के इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं मेरे 4 सबसे डेडली स्नेक एनकाउंटर्स। मेरा नाम है स्वप्निल खताल और आप देख रहे हैं बेस्ट मोमेंट्स फ्रॉम वाइल्ड एनकाउंटर्स। सांपों का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के जहन में डर की एक लहर दौड़ती है और हमने वाइल्ड एनकाउंटर्स में सांपों के प्रस्तुतिकरण के जरिए उस डर को कम करने की कोशिश की। इस शो में फीचर किए गए सांपों में से कुछ सांप छोटे थे तो कुछ बड़े, मुझे लगता है 8 फीट का तो होगा ही, कुछ खूबसूरत, अगली से दूर जाने की कोशिश जरूर कर रहा है, और कुछ खतरनाक। लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरे कुछ मनपसंद एनकाउंटर्स, और इस सूची में नंबर 1 पर है भारत का सबसे खतरनाक सांप रसल्स वाइपर। आप ये फुफकार सुन रहे हैं, ये फुफकार चेतावनी है कि अगर कोई इसके पास आए तो उसका खेल ख़त्म हो सकता है। फिलहाल तो ये काफ़ी शांत है, इसीलिए अच्छी बात है, लेकिन अगर ये गुस्से में आ जाए तो काफ़ी बुरी हालत कर सकता है उस व्यक्ति की जो इसके साथ उठपटांग हरकतें करने के बारे में सोच रहा हो या फिर कर रहा हो। ये देखिए, ये इसकी खासियत है, कुंडली मारकर ये सांप इस तरह से बैठ जाते हैं, और ये जो सांप है आप देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरती से यहाँ पर बैठा है। छलावरण का उस्ताद इसी को कहते हैं। वैसे कमाल की बात बताऊँ तो सैकड़ों साल पहले स्कॉटलैंड के एक हर्पिटोलॉजिस्ट यानी सरीसृप विशेषज्ञ थे जिन्होंने पहली बार भारतीय सांपों का अध्ययन किया था। उनका नाम था पैट्रिक रसल्स, और उन्हीं भाई साहब के नाम पर इसे नाम मिला है रसल्स वाइपर। वैसे रसल्स वाइपर के मुंह में 2 हाइपोडर्मिक सुई की तरह नुकीले विषदंत होते हैं जो इसके शिकार के शरीर में विष प्रवाहित करने का काम करते हैं, और ये हीमोटॉक्सिक जहर से लैस एक ख़तरनाक सांप है, और इसका जो जहर है वो हमारे ब्लड सेल्स पर काम करता है। इससे खून में थक्का जम जाता है और दिल का दौरा पड़ने से शिकार की मौत हो जाती है, और इसीलिए भारत के सबसे ख़तरनाक सांपों की सूची में इसका नंबर 1 पर आता है। इस वाइपर के साथ हुई मुठभेड़ को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, लेकिन मेरी सूची में शामिल इस अगले सांप के साथ हुई मुठभेड़ को मैं कभी भूलना नहीं चाहता। यह है इंडियन स्पेक्टेकल्ड कोबरा यानी कि भारतीय नाग। आप देख सकते हैं इसकी पहचान है इसका ये फन। दरअसल इनके गर्दन के पास हमारी पसलियों की तरह हड्डियाँ होती है, लचीली हड्डियाँ जो फैल सकती है और सिकुड़ सकती है, और काफ़ी ढीली त्वचा भी होती है। तो जब इन्हें किसी चीज़ को देखना होता है या फिर ख़तरा महसूस होता है तो ये अपनी उन पसलियों नुमार हड्डियों को फैला देते हैं, और फिर ये फन, ये खूबसूरत और ख़तरनाक फन हमें दिखाई देता है। वैसे कमाल की बात बताऊँ तो इन सांपों की नज़र काफ़ी कमज़ोर होती है, इसीलिए ये सिर्फ हिलती डुलती चीज़ों पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। तो अगर आप हिलेंगे नहीं तो ये सांप आपके बगल से गुजर जाएगा और आपको किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं करेगा। ये काफ़ी खूबसूरत सा सांप है, आप इसके फन के पीछे जो हुडमार्क देख सकते होंगे वो दरअसल एक डिज़ाइन है जो प्रकृति ने इसे दी हुई है, और उस डिज़ाइन का फ़ायदा ये है कि जब भी ये जानवर जंगलों में होते हैं तो पीछे से हमला करने वाले परभक्षी उस हुडमार्क को इनकी आंखें समझ बैठते हैं। ओ, ये मुड़ रहा है शायद, या यहाँ से ये भागना चाह रहा है, तो वो आंखें समझ बैठते हैं और फिर वो पीछे से हमला नहीं करते, और इस तरह से ये जानवर जंगलों में सुरक्षित रह पाते हैं। इस वक्त हम एक बहुत ही असुरक्षित जगह पर हैं और ये अब हिलने लगा है, ये ज़ुबान सूंघ कर देख रहा है, ये यहाँ से भागना चाहता है और हम इसे जाने देंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से ये सांप मेरे सामने से गुजरते हुए जा रहा है बिना कुछ किए, बिना किसी नुकसान के। यही तो मैं हमेशा आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये जानवर कभी भी आपको नुकसान ये नहीं करते। कोबरा काफ़ी कोऑपरेटिव था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि भारत का सबसे जहरीला सांप भी इतना कोऑपरेटिव होगा या नहीं। मेरी सूची में नंबर 3 पर है कॉमन ग्रे। वो सांप है, सांप है, सांप है, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ये तो स्टिक दो मुझे, आ जाओ जल्दी। जरा इसे देखिए दोस्तों, क्या बात है, यही तो है वो खूबसूरत सा सांप जिसकी मैं बात कर रहा था, यानी कि कॉमन क्रेट। मैं इसे हैंडल करते वक्त इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकता कि ये भारत के सबसे जहरीले सांपों में से एक है, और
निशाचर होने के कारण ये अक्सर रात को सक्रिय होते हैं। मुझे भी ये दिखाई नहीं देता अगर मेरे कार की हेडलाइट इसके ऊपर नहीं पड़ती तो। वैसे इसका जो न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है वो काफ़ी तेज़ होता है और इसके शिकार के नाड़ी तंत्र पर असर कर देता है। और कॉमन क्रेट की एक और ख़ास बात ये होती है कि ये ना सिर्फ चूहे मेंढकों को खाना पसंद करते हैं बल्कि ये दूसरे सांपों को भी खा जाते हैं। यहाँ तक कि कोबरा और वाइपर जैसे जहरीले सांपों को भी खाने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि उनके जहर का कोई ख़ास इन पर असर जो नहीं होता। वाह, ये काफ़ी बड़ा है, ये लगभग एक वयस्क ही है क्योंकि औसत तौर पर तो ये इतने ही बड़े होते हैं। हालांकि इससे भी बड़े हो सकते हैं अगर इन्हें अपनी ज़िंदगी किसी शिकारी के हाथों गंवानी ना पड़े तो, और अगर इन्हें अच्छा खासा खाने के लिए सामान मिल जाए यानी कि उनका शिकार मिल जाए तो ये इससे भी बड़े हो सकते हैं। लेकिन ये भी काफ़ी बड़ा है और इसे देख कर लग रहा है कि ये काफ़ी हट्टा कट्टा है, काफ़ी शांत स्वभाव का है और यही बात इसे सबसे ख़तरनाक बनाती है क्योंकि क्या आप जानते हैं इन सांपों के जो मुंह के अंदर दांत होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि अगर ये आपको डस भी ले तब भी इनके डसने पर आपको दर्द महसूस नहीं होता। और ज़्यादातर केसेस जो है वो रात को सोते हुए लोगों को डसने की ही होती है। अगर आप गहरी नींद में सोए हैं, ये सांप गलती से आपके घर में आपके बिस्तर पर रेंगता हुआ आ जाए और आपको गलती से डस लें तो आप गहरी नींद में इसके दंश को कभी पहचान नहीं पाएंगे और बदकिस्मती से वो इंसान कभी उठ नहीं पाएगा। क्रेट से इस मुलाकात के बाद लगा कि ये सांप यूं ही बदनाम है और शायद मेरी सूची में ये अगला सांप भी क्रेट के समान है। हाँ, कहाँ पर? एक सेकंड, आ रहा हूँ। क्या देखा तुमने? एग्जैक्टली मेरे ख्याल से, अरे वो रहा वहां पर, एक सेकंड। इसे देखिए जनाब, जरा इसे देखिए दोस्तों, यही तो है वो चीज़ जिसकी हम तलाश कर रहे थे। तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर? ओ ओ ओ, इसके लिए एक अच्छी खबर ये है कि हम इसे लेकर के जाने वाले हैं समुद्र के अंदर, लेकिन उससे पहले मैं इसे वहाँ पर लेकर के जाता हूँ ताकि आप इसे अच्छे से देख सकें, ठीक है? मुझे नहीं लगता इस सांप ने इससे पहले कभी भी किसी इंसान के स्पर्श को महसूस किया होगा। वैसे इसकी खाल भी किसी सैंड पेपर की तरह खुरदुड़ी है और बहुत मोटी है। ऐसी खाल होना ज़रूरी भी है क्योंकि ये जो आप पत्थर देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए बहुत नुकीले हैं। अगर इनकी खाल कमज़ोर या फिर पतली हुई तो बड़ी आसानी से यहाँ पर इन्हें घाव लग सकता है, इसलिए प्रकृति ने इसे इतना मजबूत बनाया है। भले ही ये सांप समुद्र के अंदर रहता हो लेकिन इसकी कमाल की बात यह है कि इसे भी ज़मीन पर रहने वाले सभी सांपों की तरह सांस लेने के लिए हमेशा सतह के ऊपर आना पड़ता है। यानी ये भाई साहब भी हमारे ही तरह हवा में सांस लेते हैं। इनके इस लंबे बड़े शरीर के अंदर एक लंबा बड़ा फेफड़ा होता है जो सतह के ऊपर आता है, ढेर सारी ऑक्सीजन उसके अंदर भर लेता है और पानी के अंदर गहराई में गोता लगा लेता है। फिर वहाँ पर वो मछलियों का शिकार करता है और लंबे समय तक पानी के अंदर ठहर सकता है। इसके बाद जब इसे सांस लेने की ज़रूरत होती है तो ये अपने शरीर को ढीला छोड़ देता है और ठीक किसी सबमरीन की तरह ये अपने आप तैर कर सतह के ऊपर आता है फिर से सांस लेने के लिए। सांस रोकने की इसकी कमाल की क्षमता एक तरफ इसके लिए फ़ायदे का काम करती है लेकिन दूसरी तरफ यही क्षमता इसके लिए नुकसानदायक भी साबित होती है। कई बार ये बेजुबान जानवर मछुआरों के जालों में फंस जाते हैं और ये सांस लेने के लिए ऊपर नहीं आ पाते और डूबने के कारण इनकी मौत हो जाती है। ये पानी के ज्वार का शिकार होकर ये सांप उस टाइड पूल में फंस गया होगा। वो अच्छा खासा बड़े आकार का टाइड पूल तो है लेकिन इसके हिसाब से वो छोटा ही है क्योंकि इसका असली घर उस टाइड पूल के मुकाबले लाखों गुना बड़ा है, यानी कि वो अखंड महासागर जो यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। अब इससे पहले कि अंधेरा हो जाए और ये और हम यहीं पर अटक करके रह जाए, हम उसे दोबारा इसके घर में पहुंचाने का एक प्रयास करते हैं। उसके बाद फिर हमें भी तो अपने घर जाना है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी बच्चे जो तुम हमारी नज़रों में आ गए। अब तुम्हारा ये कठिन सफ़र मैं थोड़ा आसान कर सकता हूँ। चलिए इस हुक नोज्ड सी स्नेक को इसके असली घर यानि महासागर में लेकर जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा शुक्रिया अदा करेगा। कमाल की खोज हुई है। तो ये थे वो चार डेडली स्नेक एनकाउंटर्स जो मेरे लिए इस शो के कुछ यादगार मोमेंट्स भी हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आपने इन एपिसोड्स को देखा होगा लेकिन अगर नहीं देखा तो इनकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है जहां पर क्लिक करके आप इन पूरे एपिसोड्स को इत्मीनान से देख सकते हैं। और जाने से पहले एक सवाल आपके लिए, आपका मनपसंद सांप कौन सा है? क्या वो उन्हीं में से एक है जो अभी अभी फीचर हुए हैं? अगर हाँ तो लिख कर ज़रूर बताइए क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ना काफ़ी दिलचस्प होता है। खैर, अपना कीमती समय देकर इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है स्वप्निल खताल और मैं आपसे अगली बार मिलूंगा। सी यू next time।